गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं बहुत बहुत दिनों के बाद आज मैं मम्मा से बदला लूंगा। क्यों? मम्मा ने कल मुझे रात को खिलौना नहीं खरीदने दिया ना, मैं उठा हुआ था, मैं देख लिया था कि मम्मा वीडियो बनाएगी तो मैं चिल्लाऊंगा तेरे। ये अभी अभी सो के उठा है सिद्धार्थ जी। देखो अभी बिस्तर में ही है, अभी अभी जस्ट इसकी आंख खुली है। तो आज है संडे और मैं मतलब जब से आई हूँ यहाँ दिल्ली तब से मैंने बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं की है। लगभग 1 वीक हो चुका है हमको यहाँ आए हुए, और जो वहाँ से वीडियोस बनाई थी वही डिलीवर करने में काफ़ी समय लग रहा है। तो मैंने सोचा मैं पहले उनको जल्दी जल्दी, जो सीरीज चल रहा है उनको जल्दी जल्दी डालूँ और उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगी। अभी हो रहा है 9:30 सुबह सुबह। आज भी मैंने अपना एक ब्लॉग डाला है और उसके बाद थोड़ा सा घमासान चल रहा है घर में। ये सोया हुआ था, आज इसकी क्लास है, इवनिंग में इसकी क्लास है, आज फर्स्ट क्लास है इसकी आफ्टर 3 वीक्स। जो कैशियो की क्लास होती है कीबोर्ड की, और हमें आज प्रसाद लेकर भी जाना है। जो एक दो जगह दूर दूर के लोग हैं उनको प्रसाद देना है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि शाम को तो निकलना ही है तो सुबह थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो मैं आज अपनी सब्ज़ी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। एक सेकेंड, मैं कर रही हूँ अलमीरा सेटल अपनी। ये सारे कपड़े आए हुए हैं, कुछ प्रेस के आए थे तो सारे सेग्रीगेट करके रखे हैं मैंने, और जो समर्स के हैं वो सारे हटा दूँगी और विंटर्स के सारे इसमें प्लेस करने हैं। तो अभी कुछ ही घमासान चल रहा है। ये सारे कपड़े हैं, ये सारे समर्स के हैं जो मैंने निकाले हैं रखने के लिए, ये वाले ये वाले। तो बस अभी यही काम चल रहा है। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया आलू बीन्स की सब्ज़ी, और रोटी बनाऊंगी या फिर पराठा बनाऊंगी। चटनी खाओगे? चटनी चटनी पराठा एंड आलू बीन्स। सिद्धार्थ को आजकल ग्रीन चटनी बहुत पसंद आती है। गुड मॉर्निंग तो कर लो। गुड मॉर्निंग। संडे आज, आज तुमको टॉय मिल जाएगा जिसके लिए तुम 1 वीक से परेशान थे। टॉय चाहिए? हो गया, इसको थोड़ा सा और जगने देते हैं और तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। तो 12 बज गया है और हम लोग रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए। हम लोग मतलब मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, हस्बैंड और अभी सिद्धार्थ को नहला रहे हैं, उसके बाद वो भी नहा के तैयार हो जाएंगे। और ये वाला मैंने सूट पहना है, शीशे में आपको ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। तो यही वाला सूट पहना है मैंने क्योंकि यही एक सूट बचा था जिसे मैंने नहीं पहना, यही हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पसंद था और ये अब मैं सबसे लास्ट में यहाँ आने के बाद पहन रही हूँ। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों से बड़े दिन से बोलना चाह रही थी। तो छठ में मैं 2 लिपस्टिक लेके गई थी एनवाई बेक की, दिखा देती हूँ मैं। एक ये वाली और एक इसी रेंज में दूसरा कलर में 2 कलर लेके गई थी। तो उनके लिए एक नहीं 200-2500 लोगों ने पूछा, और जो छठ में मैं रेडी हो रही थी उसका मैंने बताया था कि मैं मेकअप जितना भी कर रही हूँ उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेकिन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला क्योंकि उस टाइम ऐसा था, मैं भूल ही नहीं थी, मुझे याद था, वीडियो में मैंने बोल दिया। लेकिन मैंने लिंक जनरेट करने की कोशिश की, वहाँ पे पता नहीं नेट का इशू था या क्या था, जनरेट नहीं हो पाया मुझसे लिंक, तो इसी वजह से मैं डाल नहीं पाई थी। तो उस दिन जो भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट जो भी यूज़ किया था, और ये जो लिपस्टिक जो आप लोगों को बहुत पसंद आई है, एक ये कलर है ये वाला इसका, और जो दूसरा कलर मैं लेके गई थी, उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आज दे दूँगी। और इसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पूछते हैं आप क्या यूज़ करते हो मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र मैं, मुझे जो मेरा मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है वो है निविया का, ये वाला मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ।
ये है वेरी ड्राई स्किन के लिए और ये एक बार लगा लो 24 घंटे चलता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जिसको चाहिए। इसके अलावा एक और मॉइस्चराइज़र मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, वो है गुड वाइब्स का, ये हवाना मैंगो। ये मॉइस्चराइज़र अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग बॉडी बटर है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये बॉडी बटर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, तो ये सारे बेनिफिट्स भी हैं। और इसकी खुशबू बिल्कुल मैंगो की जैसी है, थोड़ा सा आप उसमें दूध डाल के और मैंगो का पल्प बना लो वैसा लग रहा है, और ये एकदम मैंगो जैसी इसकी खुशबू है। तो आजकल मैं ये वाला भी यूज़ कर रही हूँ और ये भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और बहुत घंटों तक रहता है आपके हैंड्स पे। तो ज़्यादातर ये वाला जो है ना मैं हाथों पे लगाती हूँ, तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। मेरा गला बिल्कुल ख़राब है 2-3 दिन से, जितने भी वॉइस ओवर करके मैं वीडियोस डाल रही हूँ उसमें कमेंट्स आ रहे हैं आपका गला ख़राब हो गया है। तो हाँ, मैं वहाँ गई, इतना घूम फिर के आई, कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ आने के बाद मैंने आते ही इतने सारे कपड़े धो दिए कि उसके 2 दिन बाद से ही मेरा गला ख़राब, सर्दी हो गई, सब कुछ हो गया। तो फ़िलहाल आज थोड़ा सा आराम है, कल मैंने दवाई खाई, मैं अवॉइड करती हूँ, दवाई नहीं लेती हूँ जल्दी, तो 2 दिन तो मैंने दवाई नहीं ली, लेकिन उसके बाद मुझे कॉफ सिरप लेना पड़ा, और कुछ नहीं ले रही हूँ एंटीबायोटिक्स वगैरह, बस सिर्फ कॉफ सिरप ले रही हूँ। आपके आसपास से कोई गुजरेगा ना तो उसको लगेगा आपने मैंगो लगाया हुआ है, तो इतनी प्यारी इसकी स्मेल है। तो ये एक बार आप ट्राई करें अगर करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दिख नहीं रहा है अभी। चलो फिर मैं हो जाती हूँ जल्दी जल्दी तैयार। तो मेरा ये मेबलिन का जो मस्कारा है ना, ये बहुत पहले ख़त्म हो गया, मतलब महीनों पहले, और मैं सोच रही थी मंगाऊंगी, मंगा ही नहीं रही थी मैं, तो फाइनली मैंने मंगा लिया है, ये आ गया है। और इस बार मैंने लैक्मे का मंगाया है, वो तो मैंने ट्राई कर लिया, सोचा ये वाला, क्योंकि ये वाला मेरे पास पहले नहीं था। भेज दो उसको, क्या चाहिए, अरे भूल गई मैं। तो इस बार मैंने मंगाया है लैक्मे का, अभी तक मैंने इसको ओपन भी नहीं किया था, आज पहली बार यूज़ करने जा रही हूँ। शेप एकदम तिकोनी टाइप की है इसकी, मस्कारा लगाने से ना आईज़ बहुत अच्छी लगने लगती हैं, चाहे आप कुछ ना लगाओ, खाली काजल लगा लो, मस्कारा लगा लो और लिपस्टिक। भाभी के यहाँ भी प्रसाद लेकर के जाना था, तो वही सारी चीज़ें मैं पैक कर रही हूँ। उनके लिए बड़ा सा बैग आया था, 2 तरह के ठेकुआ, गेहूँ वाले और जो मैदे वाले होते हैं वो भी थे, और भी कुछ चीज़ें थी, अचार वगैरह जो भी मैं वहाँ से लेकर के आई हूँ वो सारा मैंने पैकेट बनाया। नींबू वगैरह भी जो लाई थी वो भी मैंने पैकेट बनाया, और वहाँ का मैंने कुछ शूट नहीं किया भाभी के यहाँ का, क्योंकि सिर्फ मैं आधे घंटे के लिए गई थी, तो उसमें शूटिंग वूटिंग करना अच्छा नहीं लगता, उसके बाद सिद्धार्थ की क्लास थी, तो हमें बस आधा घंटा वहाँ पर रुक करके और फिर वहाँ से निकलना था। तो बस मैं प्रसाद पहुँचाने और जो भी सामान लाई थी वो पहुँचाने गई थी। तो अभी मैं फ़िलहाल उनका और लोगों का जिनको हमें रास्ते में देते हुए घर वापस आना है, उन सबका मैं यहाँ पे प्रसाद पैक कर रही हूँ, रैपिंग पेपर में ही पैक कर लिया था।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे पता है मैं जब से आई हूँ तब से अच्छी तरीके से व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, मुझे मालूम है। जो आपने अभी तक वीडियो देखी वो संडे की थी और आज हो गया ट्यूसडे, तो वो वीडियो भी कंप्लीट नहीं हो पाई। उस दिन तो ऐसा हुआ ना कि हम लोग चले गए, फिर सबके घर प्रसाद देते होते बहुत लेट आए और उसके बाद कुछ मन नहीं किया शूट करने का, तो इसीलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और कल मंडे था, कल भी बहुत बिजी थी मैं। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि वहाँ से आने के बाद बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम हैं जो निपटाने में मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ उसमें लगना पड़ रहा है, और जो मेरे प्रीवियस व्लॉग्स हैं विलेज वाले वो भी अभी तक चल रहे हैं, तो बस वो सारे काम निपटाने में मैं बहुत बिजी हूँ। आज मैं इतना रेडी इसलिए हूँ क्योंकि मैं गई थी कहीं पर, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे और वो सोचे ही जा रहे थे बस, तो फाइनली अब हम वो करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है पर हमारे लिए बड़ी है, छोटी भी नहीं है, तो वो फाइनली होने जा रही है। तो उसी का कुछ काम था, उसके लिए मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग गए हुए थे कहीं पे, तो बस इसीलिए मैं एकदम रेडी हूँ, वापस आई हूँ। वापस आके मैं खाना बना के नहीं गई थी, तो सिद्धार्थ को स्कूल से लेके आई, उसके बाद मैंने तहरी बनाई जो वेजिटेबल राइस बोल रहे हैं या वेजिटेबल आप पुलाव बोल रहे हैं वो बनता है, वो बनाया। खा पी के अभी मैं सिद्धार्थ को, अभी हो रहा है 4:15 हो रहा है, तो अभी सिद्धार्थ का ट्यूशन होता है 4 बजे से, तो मैं उसको छोड़ने के लिए जा रही हूँ, उसको अभी रेडी करूँगी, उसको वहाँ से छोड़ के आऊँगी, उसके बाद देखती हूँ घर का कुछ काम करूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े लगाने हैं। बहुत सारे कपड़े मैंने विंटर्स के निकाले हैं, लगभग फाइनली अब सभी कपड़े निकाल लिए धीरे धीरे करके, तो मुझे पूरी मशीन एकदम ऊपर तक फिल पड़ी हुई है। और कल भी मैंने कुछ कपड़े धोए थे जो कि वहाँ कोने में ना पोटरी बना के रखे हुए हैं, मैंने वो फोल्ड करने हैं अभी। और ये वाली बेडशीट मैंने फर्स्ट टाइम बिछाई है जब से ये बेड आया है, मतलब जब से ये सिरहाना आया है तब से मैंने फर्स्ट टाइम बिछाई है ये, और ये एकदम परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन इसका मैच कर रहा है। तो आज मैंने बिछाया तो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था ये देख के कि एकदम मैच कर रहा है ये। तो हाँ, बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, तो मुझे आके कपड़े लगाने हैं, फिर डिनर की तैयारी करनी है, तो संडे और संडे के बाद अब ट्यूसडे, यही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस ब्लॉग में। तो फिलहाल मैं कर रही हूँ सिद्धार्थ को तैयार और फिर उसको ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो सिद्धार्थ को ट्यूशन वगैरह मैं छोड़ के आ गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है मैंने, क्योंकि सुबह से रेस्ट नहीं कर पाई थी मैं बिल्कुल भी, तो रेस्ट भी हो गया है मेरा। और ये वाले मैंने राइस बनाए थे जो कि बहुत अच्छे बने थे, तहरी बोला जाता है या फिर आप वेजिटेबल राइस बोल लीजिए, बहुत टेस्टी बने थे। और अभी भी इनमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, फिर से खाने का मन कर रहा है पर मैं नहीं खाऊँगी। और मैं बनाने वाली हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे छोड़ के गई थी बटर, पूरा बटर का जो एक ब्लॉक आता है ना ब्रिक, वो पूरा लिया था मैंने, और उसमें से मुश्किल से मैंने 50 ग्राम यूज़ किया होगा, बाकी सब ऐसे ही छोड़ के गई थी। तो क्या होता है ना, थोड़ा सा पुराना बटर हो जाता है ना 15-20 दिन का, तो उसके अंदर से एक अजीब सी फ्रिज वाली सी स्मेल आने लगती है, फिर वो बटर कच्चा खाने में अच्छा नहीं लगता। लास्ट टाइम भी मेरा थोड़ा सा बटर बच गया था, उसका मैंने घी निकाल लिया था,
ये इतना बचा है तो इसका मैं घी निकालने जा रही हूँ। इसका घी निकाल के रख दूंगी, साथ में चढ़ाऊंगी अपने लिए चाय, बहुत चाय पीने का मन कर रहा है। बस ये सब काम है और डिनर का पता नहीं क्या बनाऊंगी क्योंकि उतना राइस रखा हुआ है और इसके अलावा थोड़े से करेले मैंने बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे बन के करेले, बहुत बिना मन के मैंने बनाए थे, मेरा बिल्कुल भी करेला खाने का मूड नहीं था। हस्बैंड उन्होंने मार्केटिंग की थी तो वो करेले लेकर आए थे तो बहुत गुस्से में मैंने करेले बनाए कि करेले क्यों लेके आए, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता अब करेले, और वो इतने अच्छे बने कि सबसे ज़्यादा मैंने खाए, बाद में मुझे हंसी आ रही थी। तो करेले भी थोड़े से रखे हैं, थोड़े से राइस रखे हैं, थोड़ी सी रोटियाँ बनाऊँगी। और ये गया बटर, अटर पटर बटर, इसका बनने जा रहा है घी। मुझे मेल्ट होता हुआ बटर कितना अच्छा लगता है। अभी सिद्धार्थ को ट्यूशन से लेकर आने में लगभग 40 मिनट हैं तो मैं तब तक आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करने जा रही हूँ क्योंकि मतलब बहुत दिन हो गया मैं सुनते आ रही हूँ कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, सच में रिप्लाई नहीं हो पा रहा मेरा। मैं पढ़ सारी कमेंट लेती हूँ लेकिन सही बात है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने पढ़ा है, या तो जो मतलब नॉर्मल कमेंट्स होते हैं ना उनको मैं पढ़ करके उन पर हार्ट दे देती हूँ, लाइक नाइस, वेरी नाइस, या कोई तारीफ़ है। पर क्वेश्चन वगैरह के रिप्लाई मैं सोचती हूँ कि करूँ, और कुछ क्वेश्चंस इतने सारे हैं ना कि उनके रिप्लाई अभी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, उनके लिए मैं क्यू एंड ए वीडियो बनाऊँगी, जल्दी ही बनाऊँगी, तो उसका मैं आपको कम्युनिटी में बता दूँगी। तो आप सारे क्वेश्चंस मुझे एक जगह करके दे देना, तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं क्यू एंड ए में ही आंसर करूँगी फ़िलहाल जो है। तो बस ये कंप्लेन सुन सुन के मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो कल भी मैंने लगभग एक घंटा बैठ के बहुत सारे कमेंट्स का आंसर किया है और हार्ट दिया है, तो मैं बस अभी वही बैठ के करने जा रही हूँ। इस टाइम मैं 40-45 मिनट्स तक सिर्फ कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, पढ़ूँगी, और जिनको हार्ट सेंड करना है उनको हार्ट सेंड करूँगी, जिनको कुछ आंसर करना है उनको आंसर करूँगी। तो चाय के साथ ये मेरा काम अभी स्टार्ट हो गया है। मैं भूल ही गई कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है। मैं ऐसे ही हंसती रहती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते रहते हैं ना तो मुस्कुराती रहती हूँ पढ़ पढ़ के, फिर थोड़ी देर बाद सोचती हूँ जस्ट इन केस अगर कोई मुझे देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा, ये क्यों हंस रही है। तो ऐसे ही होता है, आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के मैं खुश होती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना।
और ये जो अटैचमेंट आप लोगों का मेरे साथ हो गया है ना, ये अनरियल है सच में। मतलब मुझे रियलिटी नहीं लगता, मुझे लगता ही नहीं है कि सच में ऐसा है क्या, सच में आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना समझते हैं, इतना मानते हैं, सच में ये रियलिटी है क्या। कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ के ना एकदम सच में वो रियल नहीं लगता है मुझे। मैं दो मिनट के लिए बहुत ही डीप थॉट में एकदम खो जाती हूँ कि क्या ये रियल है, क्या आप लोग सच में मुझसे इतना अटैच हो, जो इतना टाइम निकाल के वीडियोस भी देखते हो, मेरी लाइफ के बारे में हर एक चीज़ आप लोगों को पता रहती है, मतलब इतना आप अपडेटेड रहते हो, जो भी वीडियोस में जो भी डिटेल में देती हूँ आपको सालों साल पहले की चीज़ें याद हैं, तो बहुत अनरियल लगता है मुझे। जैसे कि अभी मैंने छठ पूजा की जो भी सीरीज़ डाली, जो भी चीज़ें दिखाई, तो बहुत सारे मुझे ऐसे कॉमेंट्स आए जो पिछले साल की कई चीज़ें उन्होंने मुझे याद दिलाई, और मैं सोच रही थी अरे वाह आप लोगों को याद है, छोटी छोटी डिटेलिंग आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से याद होती है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सच में। ये जो फीलिंग आप लोगों से मिलती है, जो प्यार और ये जो सपोर्ट आप लोगों से मिलता है ना, इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लगता है किसी कवि से लिखवानी पड़ेंगी लाइनें, या फिर किसी राइटर से लाइनें लिखवानी पड़ेंगी जो अच्छे से अंदर की फीलिंग को एक्सप्लेन कर पाए। अदरवाइज़ हम जैसे खासकर मैं एकदम एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितना इमोशनल हो जाती हूँ, और मुझे कितना अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह के प्यारे प्यारे कमेंट लिख के भेजते हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मेरी लाइफ में हैं। थैंक यू सो मच। और इसी तरह अपना सपोर्ट बना के रखिए, इसी तरीके से प्यार करते रहिए, और मैं भी खूब मेहनत करती रहूँगी ताकि आप लोगों तक अच्छे अच्छे ब्लॉग पहुँचा सकूँ और चीज़ें नई ऐड कर सकूँ, और बस ऐसे ही काम करती रहूँ, और बस ये ऐसे ही जो हमारी फैमिली है दिन रात बढ़ती रहे। और तो बस यही बोल सकती हूँ मैं, और क्या बोल सकती हूँ। तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलूँगी, फ़िलहाल चाय पीती हूँ और कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, और उनको पढ़ पढ़ के और हंसती हूँ और खुश होती हूँ। बाय।